नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। बीबीसी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। गया में एक बार फिर लुटेरों का आतंक। गैडोभी रोड में पेट्रोल पंप के कर्मी से बाइक लुटेरों ने 7,40,000 की लूट। घटना की सूचना पर लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी की शुरू। फिलहाल लुटेरे पुलिस की पकड़ से बाहर। डोगी में करमौनी के पास एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप के जो मैनेजर हैं उनके एक अन्य कर्मी जो है, जो राशि मिली थी पेट्रोल की बिक्री से, उसको लेकर जा रहे थे। रास्ते में जो है कुछ अपराधियों द्वारा जो है हथियार दिखाकर उनका पैसा जो है लूट लिया गया है। अभी लूट की राशि क्या है वो कंफर्म नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना है उसके हिसाब से लगभग 7 लाख रुपए की राशि थी। पुलिस जो है, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और आसपास के अन्य थानों की पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंच गई है। तकनीकी शाखा के भी लोग गए हैं। जिस दिशा में अपराधियों के भागने की सूचना बताई गई है उस दिशा में उन गाँवों में छापेमारी चल रही है और जो अन्य साक्ष्य हैं वो साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। गया के महाबोधि मंदिर में सोमवार से 15वें त्रिपिटक पूजा का हुआ आगाज। मौके पर 13 देशों के बौद्ध धर्म गुरुओं ने संयुक्त रूप से त्रिपिटक पूजा समारोह का किया उद्घाटन। गया समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई सम्पन्न। बैठक में सड़क सुरक्षा अधिनियम को कठोरता से पालन करवाने एवं मोटर वाहन के नए अधिनियम लागू होने के बाद सड़क दुर्घटना में आई कमी पर हुई चर्चा। एबीवीपी के छात्रों ने गया कॉलेज मुख्य द्वार पर तेलंगाना के गृह मंत्री का पुतला किया दहन। मौके पर छात्रों ने हैदराबाद में हुई घटना की निंदा करते हुए दोषियों को मृत्युदंड देने की मांग। 4 दिन पहले हैदराबाद में जो एक डॉक्टर की प्रियंका रेड्डी, उनका रेप हो गया है और उनके साथ साथ उनको जला भी दिया गया है। उस कभी प्रियंका, कभी ट्विंकल, कभी निर्भया, कभी दामिनी, ये कब तक चलते रहेगा इंडिया में? ये इंडिया में क्या त्योहार बनते जा रहा है? हर महीने, हर हफ्ता, ये मतलब कुछ ना कुछ हर साल नए तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि ये वारदात को, ये जो जुल्म हो रहा है हमें सब महिलाओं पे, उनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। उन जो ये रेप करते हैं उनको खड़ी चौराहे पर उनको गोली ठोकर उसी समय जिस समय पकड़ाते हैं उसी समय ठोक देना चाहिए। जल्द से जल्द उन्हें मृत्युदंड देना चाहिए, ना कि ये डिसाइड करे वो नाबालिग है या बालिक है। ये कब तक होते रहेंगे? क्या हम महिलाएं, हमारी कोई इज्जत, कोई हमारी सम्मान नहीं है? हमारा इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? हम चाहते हैं, भारत सरकार से आग्रह करते हैं, जल्द से जल्द उन मुजरिमों को जल्द से जल्द उन्हें हत्या का दिया जाए। गया के सर्किट हाउस में बिहार सरकार के कल्याण मंत्री मुकेश कुमार ऋषि ने संवाददाता सम्मेलन का किया आयोजन। मौके पर संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से कल्याण मंत्री ने सरकार के विभिन्न योजनाओं पर की चर्चा। आज की बैठक में तो कल हम 2 विद्यालय का निरीक्षण किया और निरीक्षण में जो हम गए वहां देखे कुछ कमियां थी। जो भी जाड़े का समय आ गया है, उसके बाद विद्यालय में जो खिड़की का शीशा था वो टूटा हुआ था। वो हमारे क्रय समिति के अध्यक्ष DDC होते वो भी थे, आज DW थे, हमने निर्देश दिया है कि ठंड का समय है और जो भी हमारे विद्यालय हैं जिला में, पूरे जिले में, उसको देख करके आप और 15 दिन के अंदर टूटा हुआ शीशा है भवन निर्माण विभाग से, उसको आप जल्द से जल्द करवा दीजिए ताकि बच्चे को दिक्कत नहीं हो। और ठंड का कपड़ा सभी बच्चे को 15 दिन के अंदर मुहैया आप लोग करवाइए। किताब कॉपी के बारे में सब पूछे तो सब था, उस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं था। भोजन के बारे में पूछे हम, जो रात अपने कहा नहीं रोटी देता है, सब ठीक था। उसके बाद हमारे दलित और महादलित बस्ती में जो वर्कशील बनता है सर, समुदाय भवन जी, उसका हमने रिपोर्ट लिया है, तो LEO 1 और LEO 2 वाला रिपोर्ट दिया है। लगभग 80-85% काम पूरा हुआ है। जनवरी में उन्होंने कहा है कि सर हम उद्घाटन करवा देंगे। एक जगह LEO 1 में 9 था, उसमें 5 काम पूर्ण है, 4 जो है जिसमें जमीन का काम है, 2 डलीदार हो गया। यही स्थिति है। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से हम रिपोर्ट लिए हैं, तो जो हमारे छात्रवृत्ति बच्चे को मिलता है उस सब का भी सब कंप्लीट है। मैंने सभी लोगों को छात्रवृत्ति बच्चे लोगों को चला गया है और काफ़ी मान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिंतित रहते हैं। बिहार के
गरीबों के लिए, बिहार के बच्चे के लिए, बिहार के भविष्य के लिए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से भी देखे हैं जो हमारा छात्रवृत्ति मिलना चाहिए सब सब मिला है। उसके बाद SC ST एक्ट के तहत जो केस होता है उसमें भी जो सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, राशि मिलता है, वो भी दिया गया है। सभी बिंदु पर चर्चा हमने की है बारीकी से। हाँ, डिफरेंस पहले का है, तो पहले का था उस समय में मांझी जी थे, मुख्यमंत्री भी रहे, उनको तो बढ़ा देना चाहिए, लेकिन तो कुछ किए नहीं। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है और मुख्यमंत्री जी काफ़ी इच्छुक भी रहते हैं, तुरंत किया, रेट हमारा बढ़ गया है, कैबिनेट से पास हो गया है। गया से नवादा जाने के क्रम में इंचुआ के निकट अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरी एक स्कॉर्पियो चालक सहित अन्य सवार बाल बाल बचे। गया कॉलेज के प्रेमचंद सभागार में इग्नू के इंडक्शन मीट कार्यक्रम का हुआ समापन। मौके पर गया कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा ने इग्नू शिक्षण संस्थान को हर संभव मदद देने का दिलाया भरोसा। अभी हमारा इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है, 17 जुलाई 2019 में जो नामांकित छात्र हैं, जो इग्नू द्वारा संचालित विभिन्न प्रोग्राम में एडमिशन जिन्होंने लिया है, उन्हें चूंकि वो रेगुलर मोड से आए हैं और दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम का ज्ञान उनको नहीं है, उससे परिचित कराया जा रहा है कि हमारा डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम किस तरह से चलता है और किस तरह से वो अपने कार्यक्रमों को पूरा कर पाएंगे। ये सारी जानकारी वृहद रूप में विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इस जुलाई सत्र 2019 में लगभग 2000 विद्यार्थी हमारे यहाँ नामांकित हैं। कुल इग्नू से 4200 विद्यार्थी अभी हमारे यहाँ नामांकित हैं जो अध्ययनरत हैं, और सारी सुविधा गया महाविद्यालय के द्वारा इन्हें उपलब्ध कराया जाता है। गया महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक इनका काउंसलिंग करते हैं, जिसे हम परामर्शी कक्षा के नाम से जानते हैं, और सेशन एक दिन भी इसका विलंब नहीं होता। कैलेंडर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ये बच्चे जो अभी जिनका इंडक्शन कार्यक्रम चल रहा है, ये जून 2020 में एग्जाम देंगे और परीक्षा समाप्त होने के 40 दिनों के अंतराल के बाद इनका परीक्षा फल घोषित हो जाएगा। गया के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए 16 लोगों ने किया नामांकन। नामांकन के बाद BDO ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। गया के वजीरगंज में DCLR एवं CO की देखरेख में हटाया गया अतिक्रमण। मौके पर कई फुटपाथ दुकानदारों को हटाकर रास्ते को किया गया अतिक्रमण मुक्त। गया के गुरुआ बस स्टैंड में हैदराबाद की घटना को लेकर युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में शामिल युवाओं ने हैदराबाद की घटना की निंदा करते हुए प्रधानमंत्री से दोषी दरिंदों को फांसी देने की मांग। आज गुरुआ में हम सभी युवा और छात्र साथी मिलकर जो हैदराबाद में बीते दिनों घटना घटी है, उसके खिलाफ हम लोग कैंडल मार्च में निकले हैं और देश के प्रधानमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि जो प्रियंका रेड्डी के साथ जो सामूहिक रेप किया गया है, उनके जो दोषी पकड़े गए हैं उनको हम लोग फांसी की सजा की मांग करते हैं। और आज पूरा देश, सिर्फ हम नौजवान गुरुआ के ही नहीं बल्कि पूरा देश उसके पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। गया के KP रोड स्थित कार्यालय में कौमी इत्तेहाद मोर्चा की बैठक हुई संपन्न। मौके पर बैठक में विभिन्न प्रखंडों से आए सदस्यों एवं कार्यकर्ताओं ने अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की चर्चा। आज की का जो विषय है, हम लोगों को हमारे कौमी इत्तेहाद मोर्चा के मोहनपुर प्रखंड के अध्यक्ष इरशाद आलम का की हत्या की गई, उसके लिए हम लोगों ने इस बैठक का आयोजन किया है और हम लोगों की सरकार से मांग है कि उसको उचित मुआवजा दिया जाए, उसका जो विधवा है उसको नौकरी दिया जाए और जो भी उचित मुआवजा सरकार के द्वारा होता है उसको दिया जाए और जो हत्यारा है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।
मगध विश्वविद्यालय बोधगया में पीजी में नामांकन शुल्क बढ़ाने के विरोध में गया टावर चौक पर छात्र जदयू के द्वारा मगध विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला किया गया दहन। पुतला दहन कर रहे छात्रों के द्वारा नामांकन शुल्क घटाने की जा रही थी मांग। आज मैं यहाँ चौक टावर के समीप अपने साथियों के साथ पुतला फूंक रहा हूँ मगध विश्वविद्यालय बीसी का। इस पुतला फूंकने का विशेष कारण यह है कि हमारे नाम पीजी के नामांकन में हमारे कुलपति महोदय ने बहुत ही गरीब छात्रों के साथ जाती की है। पैसे वाले छात्र पैसे देकर वहाँ नंबर बढ़वा कर एडमिशन लिए जा रहे हैं और जो गरीब छात्र हैं वो एडमिशन से वंचित रह जा रहे हैं, जिसके कारण देश का भविष्य अंधकार में जा रहा है। अब मगध विश्वविद्यालय अगर अपने कार्य में सुधार नहीं लाएंगे तो आज मगध विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूका गया है, कल हम मगध विश्वविद्यालय में ताला बंद कर देंगे। जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किस्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8,500 के आसान किस्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है, 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिथो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड धामी टोला गया। कॉल फॉर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट नंबर 8002964951 या 06312221190।